नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर आरा में पैसे के विवाद में युवक को गोली मारी। घटना नगर थाना क्षेत्र के रघुटोला मोहल्ले की बताई जा रही है। युवक को हथियारबंद बदमाशों ने गोली बाएं पैर के घुटने के नीचे मारी है, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे परिजन व स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना नगर अध्यक्ष अनिल कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घायल युवक रघुटोला मोहल्ला निवासी राजेंद्र यादव का 25 वर्षीय पुत्र सुधीर कुमार यादव बताया जा रहा है, जो धनुपुरा DRC में काम करता था और आज काम कर घर लौटने के दौरान बदमाशों ने उससे बकाए पैसे की मांग की और जब वह पैसे देने से मना किया तो उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी के परिजनों की माने तो गांव के ही रामनेह यादव, कमलेश यादव और रामबाबू यादव ने दीपावली पर खर्चा करने के लिए उससे पैसे की मांग की। जब वह पैसा देने से इनकार किया तो उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। बहरहाल शहर में दीपावली से पहले युवक को सरेराह गोली मारने की घटना के बाद से परिजनों के साथ साथ आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल कायम है। भोजपुर संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। रामने दो आया, इससे खर्चा मांग रहा था, खर्चा के लिए दीपावली खर्चा के लिए पैसा दो। हम लोग ये बोला कि पैसा नहीं है, तो इसको कानून धर लिया और दो झाप मार लिया। ये बोला कि पैसा नहीं है, आके आज डायरेक्ट गोली मार दिया। और उसके साथ रामबाबू यादव था और कमलेश यादव था, दो लोग और थे। हाँ, आपका परिचय? मेरा भाई लगता है, गाँव ही क्या है, साथ में थे। किस गांव के? रघुटोला गांव में।